वायरल वीडियो ने उड़ाए होश। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने अभिभावकों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। इस वीडियो में क्लास के अंदर ड्रग्स लेते एक छात्र नजर आ रहे हैं। आज मुरादाबाद कलेक्टर परिसर में कुछ लोग पहुंचे और सिविल लाइन स्थित सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों का आरोप था कि सेंट पॉल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रग्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते देश की भावी पीढ़ी जानलेवा नशे की गर्त में जा रही है। इन प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो भी मीडिया के सामने रख दी। इस वीडियो में एक छात्र अपनी क्लास में बैठा हुआ ड्रग्स की सिगरेट तैयार कर रहा हुआ नजर आया। ये वीडियो भी उस समय बनाया गया है जब क्लास में टीचर मौजूद हैं। इस वीडियो के वायरल हो के बाद से अभिभावक ज़रूर सकते में आए हैं, क्योंकि अगर इस वायरल वीडियो में जरा भी सच्चाई है तो ये मुरादाबाद के लिए खतरे की घंटी है। और अब मुरादाबाद प्रशासन को जल्द से जल्द मामले की पड़ताल करते हुए देश के भविष्य को ड्रग से छुटकारा दिलाने के लिए जांच करानी चाहिए। मुरादाबाद में सेंट पॉल स्कूल सिविल लाइन में है इंटर कॉलेज, उससे मुतालिक बहुत टाइम से ये चल रहा है मामला कि यहाँ पर जो है बच्चों को नशे की आदत डाली जाती है। और आज हमने मंडल आयुक्त जी को बाकायदा बच्चों के साथ जाकर, इससे कि मैंने कहा कभी बच्चे अकेले पड़ जाए तो मुझे खुद जाना पड़ा इसलिए, और जाकर मंडल आयुक्त जी से बात करी। उन्होंने कहा हम इसकी जाँच कराएँगे
और हमारा एक रजिस्ट्री हमने मुख्यमंत्री जी को बाकायदा उसकी क्लिप भी है उसके साथ में सीडी के साथ हम भेज रहे हैं और उसकी पूरी हम जांच कराएंगे। उन्होंने ये किया है तो उसमें जो बच्चे विरोध कर रहे थे ड्रग्स का और नशे का उसमें उन बच्चों को उन्होंने निकाल दिया स्कूल से और उन्हें फेल कर दिया 11वीं में। ये उनको बहुत बढ़िया इनाम मिला है। अभी देखना है हमें कि हमारा शासन और प्रशासन कितना ईमानदार होता है और कितना न्याय करता है, इसका हमें इंतज़ार है। हमें मुख्यमंत्री से भी हमारी गुहार लगी है, वहाँ भी हमने ऊपर नेशनल चैनलों को भी ये सब भेज दिया है। हमें पूरी लड़ाई लड़नी है, अपने बच्चों का भविष्य सही करना है, आगे के लिए इसकी श्योरिटी होनी चाहिए कि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं जितने भी सेंट पॉल के अंदर, एक एक बच्चा चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी को भी बच्चे को नशा नहीं देना चाहिए उसको, और कोई भी अगर इसका वो करवाएगा तो न्याय के हित में काम करना चाहिए। शासन को प्रशासन को और पूरी पूरी ईमानदारी से जाँच करवाई जाए, मजिस्ट्रेट जाँच होनी चाहिए, डॉक्टरों की टीम जानी चाहिए वहाँ अंदर और वहाँ देखे जाके वहाँ लेटरिन बाथरूमों में सब में पता चलता है कि वहाँ पर तमाम मैं एक हमारे पास वायरल हुई भी है, हमारे पास सीडी आई है कि क्लिप है हमारे पास, वो हमने ऊपर चैनलों पे नेशनल चैनलों पर